हेलो फ्रेंड्स, तो आपने अब तक सबसे छोटी चीज़ या सबसे छोटा जीव कौन सा देखा है? क्या वो मॉस्किटो है? जी नहीं। फ्लाई, मक्खी? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस स्मॉलेस्ट चीज़ या स्मॉलेस्ट इंसेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एन एंट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। मैं हूँ खितेश कुमार पटेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एलियन हैंड, जो क्लास 7 की NCERT की बुक है, जिसमें चैप्टर है द टाइनी टीचर्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा, द टाइनी टीचर का मतलब क्या होता है? छोटा शिक्षक? यस। अब ये छोटा शिक्षक कौन है? दिस इज एन एंट। तो जैसा मैंने कहा था कि चींटियां जो हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट बट द वाइजेस्ट। सबसे छोटी होने के बावजूद भी चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान या वाइज होती हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ एंट्स। चींटियों के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। चींटियाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ही वाइज होती हैं। दे यूज़ देयर फ्रीलर्स और एंटीना टू टॉक। वे अपने फ्रीलर्स या उनके जो एंटीना होते हैं उनसे वो बात करते हैं। दोस्तों, उनकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। आपने ये देखा होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वो एक रॉ में चलती हैं, एक लाइन से चलती हैं। और वो, उनकी एक खास बात ये है कि जब दूसरी लाइन से चींटियाँ आती हैं तो वो एक दूसरे को, हर एक चींटी को ग्रीट करते हुए जाती हैं बाय देयर फ्रीलर्स और देयर एंटीना। सो मोस्ट कॉमनली हम जिन चींटियों के बारे में बात करते हैं या जिन चींटियों के बारे में जानते हैं, वो दो तरह के होते हैं, जनरली ब्लैक एंड रेड, जिसमें से हम ये डिसाइड करते हैं दैट दिस इज गुड एंट एंड दैट इज बैड एंट। सो अगर हम चींटियों के घर के बारे में बात करें तो चींटियाँ जिस घर में रहती हैं, दैट इज कॉल्ड एंट हिल्स। एंट हिल्स का मतलब हिंदी में होता है बाम्बी, जिसे हम हिंदी में बाम्बी कहते हैं। ये बाम्बी शुरू में तो चींटियों के काम आती हैं, और मैं ये बता दूँ कि उस एक एंट हिल में बहुत ही संख्या में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और रूम होते हैं जिनमें पैसेजेस होते हैं, गलियाँ होती हैं। ये रूम्स अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग सोल्जर्स की तरफ जाते हैं। अब दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियों में वर्कर्स और सोल्जर्स कैसे होते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्स फैमिली। अगर हम एक एंट हिल में जितने भी चींटियाँ हैं सबको क्लासीफाई करें तो सबसे पहले जो चींटी आती है, दैट इज़ क्वीन एंट। क्वीन एंट जो होती है उसके पंख होते हैं, वो सिर्फ एक ही होती है, जो बहुत सारे अंडे देती है। अब इन अंडों की देखभाल करने का काम गार्ड एंट्स का होता है। दूसरी चीज़, अगर इन अंडों की सफाई, इनको खाना खिलाने की बात की जाए तो वो काम होता है वर्कर्स का। वर्कर्स एंट्स जो होते हैं वो कभी सोल्जर्स के पास नहीं जाते। सोल्जर्स जो होते हैं वो गार्ड्स होते हैं, और ऐसे गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं किसको? ग्रब्स को। ग्रब्स चींटियों के छोटे छोटे लार्वा, यू कैन से एग्स। तो चींटियों के जितने अंडे होते हैं उन अंडों की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा होता है गार्ड एंट्स के पास। सो इस तरह से हमारे पास कितने एंट्स हो गए? क्वीन एंट, जो हर एक एंट हिल में एक होती है, गार्ड्स जो बहुत सारे, या सोल्जर्स जिनको हम कह सकते हैं, एंड थर्ड आते हैं वर्कर्स। सो जैसा कि मैंने कहा दैट क्वीन एंट इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। उसके दो पंख होते हैं जिन्हें वो वेडिंग फ्लाइट के बाद कुतर देती है। वेडिंग फ्लाइट का मतलब वो हॉट समर के दौरान या गर्मी की ऋतु में उड़ के चली जाती है किसी मेल एंट से शादी करने के लिए। देन आफ्टर, उसका काम रहता है सिर्फ अंडे देना। तो आफ्टर वेडिंग फ्लाइट वो अपने पंखों को कुतर देती है और अब उसका काम रह जाता है सिर्फ अंडे देना। इन छोटे छोटे अंडों को कहा जाता है ग्रब्स। इन ग्रब्स की सिक्योरिटी का जिम्मा रहता है सोल्जर्स का। इन ग्रब्स की रख रखाव, देखरेख, उनको घुमाने फिराने का जिम्मा रहता है वर्कर्स का। इसके अलावा वर्कर्स खाना भी स्टोर करके रखते हैं। इन खानों को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस अलग होते हैं। वर्कर्स कभी सोल्जर्स के रूम में नहीं जाते, सोल्जर्स कभी वर्कर्स के रूम में नहीं जाते। आफ्टर 2 or 3 weeks ये ग्रब्स बड़े हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है ककून। आफ्टर 3 weeks, 3 हफ्तों के बाद इन ककून से छोटी छोटी परफेक्ट चींटियाँ निकलती हैं। अब इन चींटियों के बड़े होने के बाद इनका काम या इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें अलग अलग कामों में बांटा जाता है।
जैसे अगर सोल्जर्स बनाने हैं तो सोल्जर्स को गार्ड वाला काम दिया जाएगा। वर्कर चींटियों के लिए उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उन्हें स्टोर हाउस के लिए रखा जाता है, खाना ढूंढने के लिए रखा जाता है और साफ़ सफाई के लिए रखा जाता है। इसके बाद क्लीनर्स, बिल्डर्स, ये सारी चींटियाँ अलग अलग होती हैं। ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद छोटी चींटियाँ बड़ी दुनिया में काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब इनका एंट हिल सिर्फ इन्हीं के काम नहीं आता और सिर्फ चींटियाँ ही यहीं नहीं रहती, बल्कि यहाँ और भी दूसरे इंसेक्ट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एंट हिल चींटियों का है तो वहाँ वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या दूसरे जीवों को रहने क्यों देती हैं? इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि कई जंतुओं की खुशबू उन्हें अच्छी लगती है तो चींटियाँ उन्हें रहने देती हैं। कुछ से इन्हें फूड मिलता है जैसे जूस या फिर शहद हम कह सकते हैं, और कुछ चींटियों को ये पेट के रूप में इस्तेमाल करती हैं जैसे हम कुत्ते या बिल्लियों को पालते हैं। एंट्स की अपनी काउस भी होती है, जैसे हमारे पास गायें होती हैं वैसे ही एंट्स के लिए गाय के रूप में काम करती हैं ग्रीन फ्लाई। इन्हें ट्रेनिंग मिलती है शहद जमा करने की। अब ग्रीन फ्लाई जो शहद जमा करके लाती है उन्हें निकालती हैं ये चींटियाँ। सो ग्रीन फ्लाई काम करती हैं गाय का, जैसे गाय हमें दूध देती है वैसे ही ग्रीन फ्लाई इन्हें शहद देती है। अब तक हमने ये देखा कि चींटियों ने बहुत सारा काम किया, वर्कर्स, क्लीनर्स, बिल्डर्स, सोल्जर्स, क्वीन, ये सारी चींटियाँ चींटियों के ही टाइप्स हैं और ये अलग अलग चींटियाँ अपना काम करती हैं। मोर ओवर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से हमें इन चींटियों के बारे में सीखने को मिला है और इन चींटियों से हमें और बहुत कुछ जानने को मिला है। इससे मुझे ये लगता है कि हम इंसानों ने सीखा तो बहुत है लेकिन उसको हमने यूज़ बहुत ही कम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इन छोटे टीचर से सीख लेनी चाहिए। सीख किस तरह की? सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन। जब चींटियाँ रॉ में चलती हैं तो हमें उनकी डिसिप्लिन दिखती है। द सेकेंड थिंग इज़ हार्ड वर्किंग। जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो सफाई का काम करती हैं, क्लीनिंग का काम करती हैं, बिल्डिंग का काम करती हैं, ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। द नेक्स्ट एंट इज़ सोल्जर्स। सोल्जर्स रक्षा का काम करती हैं। तो इस तरह से हमें अगर मोटिवेशन लेना है तो हम उनसे ये सीख सकते हैं हार्ड वर्किंग, लॉयल्टी, ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर द टाइनी टीचर्स। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, टिनी टीचर्स के बारे में सुन के अच्छा लगा होगा। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं मैंने उसके लिए दूसरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।